आज हम जहां भी खड़े हैं यह हमारे विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य अद्भुत प्राणी है। जमीन पर यह जो भी विचार निर्मित करता है, धीरे धीरे यह विचार उसका एक रूप लेने लगता है और कुछ ही समय में यह वह विचार ही हो जाता है। फिर यह उस विचार को समाज में फैलाता है, उस विचार की तरह कर्म करता है और उसके कर्म के कारण उसका यह विचार समाज में घूमने लगता है, समाज में एक आकार लेने लगता है। आप देखते हैं किस तरह कोई फैशन समाज में फैलता है। कभी किसी डिजाइनर को जो शर्ट, पैंट, गाउन, कोट, जीन्स सिल रहा है, एक विचार उठता है डिजाइनिंग का, कुछ नया करने का। वह उस विचार को इम्प्लीमेंट करता है, उसको सैंपल बनाकर भेजता है बायर्स के पास। और कुछ समय में जब वो सैंपल पास होकर आ जाता है, उसे ऑर्डर मिल जाता है, फिर उसका वो डिजाइन शोरूम में पहुंचता है। पहले कुछ लोग उसको लेते हैं, वह उसको पहनकर ऑफिस जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर कुछ लोगों को कुछ नया दिखाई देता है। इस तरह डिमांड बढ़ती है और कुछ ही दिनों में आप उसको ट्रेंडिंग में देखते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? कहीं कोई विचार उठा था ऐसे ही किसी दिन, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह फैल जाएगा और समाज में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसका नाम चलेगा, उसका एक ब्रांड हो जाएगा। यह पूरा मनुष्य का जीवन इसी तरह विचारों से बनता है। श्रावस्ती में चक्षुपाल थेर को बुद्ध उपदेश देते हुए कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है, हमारी प्रवृत्तियों का आधार मन है और वह मन से ही बनी है। यदि कोई दूषित विचारों से वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का अनुसरण करता है। यह वचन बुद्ध के हैं और हमें चेतना देते हैं कि किसी भी मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कौन देख रहा है या कौन मेरा क्या कर लेगा। यहां कौन क्या कर लेगा या कौन देख रहा है का सवाल ही नहीं है। जहां से यह विचार उठ रहा है वहीं उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, कोई देखे या न देखे। वहां इंप्रेशंस लग रहे हैं, वहां सब कुछ इम्प्रिंट हो रहा है। जिस प्रकार एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा होता है, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वह है उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाए, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड है कि क्या हुआ, उसमें क्या तकनीकी खराबी हुई, कब हुई, कैसे हुई। इसी प्रकार कोई भी कृत्य हो तो जाता है मगर उसकी रिकॉर्डिंग, उसका प्रिंट मन पर पड़ा है, जो छिपाया ही नहीं जा सकता, जो किसी न किसी दिन कृत्य के रूप में, किसी विचार के रूप में वापस आ जाएगा और अपनी खबर देगा। बुद्ध उपदेश करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है, हमारी प्रवृत्तियों का आधार मन है और वह मन से ही बनी है। यदि कोई शुद्ध विचारों से वचन बोलता है या कोई कर्म करता है तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार छाया मनुष्य का अनुसरण करती है। अद्भुत वचन है ये बुद्ध के। कभी आपने देखा या महसूस किया होगा जब आप रास्ते में चलते हुए किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करा देते हैं या उसका बैग उठाकर उसकी मदद कर देते हैं, उसका हाथ थाम लेते हैं अगर वह गिर रहा हो, या किसी जरूरतमंद को गाड़ी में बैठे हो तो अपनी सीट दे देते हैं।
तो आपको कितनी आंतरिक खुशी और तसल्ली मिलती है, या किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, कितनी आत्मिक खुशी मिलती है मन को, कितनी शांति और तसल्ली मिलती है, और आप कितने निर्भर होकर घर जाते हैं और कितने शांत होते हैं। आपको लगता है कि आप आज किसी के काम आए, आपने कुछ अच्छा किया, इसीलिए तो निस्वार्थ सेवा का इतना मूल्य है। तभी तो सेवा को सभी तथागतों ने, गुरुओं ने, साधुओं ने इतना महत्वपूर्ण माना है। इससे जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, मनुष्य का रास्ता बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा करके आते हैं, लड़कर आते हैं, गलत विचार करते हैं, आप वह सब अपने साथ अपने घर तक लाते हैं, घर में भी बौखलाए रहते हैं, अपना सारा गुस्सा घर पर उतार देते हैं, बच्चों पर उतार देते हैं, यह भी आपके दूषित विचारों का ही परिणाम है। आपके ही विचार आपको ही दुख दे रहे हैं। यही जीवन का नियम है। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, बल्कि लेने वाले के ऊपर है कि उसके विचार कैसे हैं, वह उनको किन भावनाओं में आकार दे रहा है। इसलिए एक ही तरह का कृत्य एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण और एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन जाता है, क्योंकि दोनों की सोचने की, विचारने की, अनुभव करने की क्षमता अलग अलग है। बुद्ध पुरुष भी इस दुनिया में ही रहते हैं, हमने सबने देखा है, उनके जीवन को पढ़ा है, उसका एहसास भी थोड़ा थोड़ा हो अगर हमें, तो हम महसूस कर पाएंगे कि इस दुनिया की कोई मैल उनको नहीं लगती, वह अछूते रह जाते हैं। हम उनको प्रताड़ना देना भी चाहें, हम उनको प्रताड़ित करना भी चाहें, दुखी करना भी चाहें, तो नहीं कर सकते। और हमें अपनी करुणावश, दयावश सर्वत का भला की आशा से उपदेश करते हैं कि यह इतना मुश्किल नहीं है, मगर तुम बेहोश एक पागल उन्मत्त हाथी की तरह चलते हो दुनिया में। तुम्हें न तो कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, बस तृष्णा दिख रही है, न कोई सोच विचार उठ रहा है, कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कोई विचार नहीं उठ रहा, अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं हो रही है, इसलिए तो तुम दुख भोग रहे हो। सोचो कितनी छोटी छोटी बातों से तुम दुख भोगते हो, कभी विचार किया? बुद्ध कहते हैं, उसने मुझे दुर्वचन कहे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे परास्त किया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसे विचारों को मन में रखता है, उसका बैर कभी समाप्त नहीं होता। और उसने मुझे दुर्वचन कहे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे परास्त किया, उसने मुझे लूट लिया, जो ऐसे विचारों को मन में नहीं रखता है, उसका बैर समाप्त हो जाता है। सोचो बुद्ध क्या कह रहे हैं, कितनी छोटी सी बात है, सिर्फ एक विचार है कि आपने क्या सोचा और क्या आपने नहीं सोचा, क्या आपने लिया और क्या आपने नहीं लिया। कितनी छोटी सी बात है जो बुद्ध कह रहे हैं हमसे। जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं, जब वो स्कूल में किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा करता है, या झगड़ा नहीं करता है फिर भी पिट जाता है, या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, तुम स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हो बेटा, लड़ना नहीं चाहिए। मगर हम अपने ऊपर कुछ भी लागू नहीं करते, हर विचार को मन में घुमा रहे होते हैं, यहां तक कि किसी ने टेढ़ी नजर से देख भी लिया हो अगर, तो भी परेशान हो जाते हैं कि क्यों देखा उसने। ऐसे हम हर चीज को अपने अंदर मन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वह काम का हो न हो, जैसे एक कबाड़ी को देखा है ना सुबह सुबह आपने कूड़ा बीनते हुए,
वह सब कुछ अपने झोले में डालते चला जाता है। जल्दी में, बड़े जल्दी में है, कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं। सुबह होने वाली है, उसे लगता है कि फिर दिन निकल आएगा, लोग कामकाज पर निकलेंगे, भीड़ भाड़ हो जाएगी, झाड़ू लग जाएगा, उसे शायद कुछ नहीं मिलेगा। काम का हो न हो बस भरते चले जाता है। यह जीवन का बड़ा दुख निर्मित कर देता है। मन में सब बैठते चला जाता है। इसी तरह एक मनुष्य के, वह भी कबाड़ी की तरह ही चल रहा है। और फिर हम मन को दोष देते हैं कि मन यह कर रहा है, मन वह कर रहा है। दोष हमारा है, मन का नहीं। मन को तुमने इस तरह का बनाया है, एक कबाड़ी का झोला, तो वह कबाड़ी की तरह ही तो होगा। उस झोले में से कबाड़ ही तो निकलेगा। क्या उस झोले में से हीरे जवाहरात निकल सकते हैं? क्या उसमें से कोई सुगंध निकल सकती है? कभी आपने सोचा? बस इतनी छोटी सी बात है, यही विचार करनी है। बुद्ध हमें बार बार इन छोटी छोटी बातों को बार बार समझाते हैं, बार बार दोहराते हैं, क्योंकि मन में जो चीज बार बार दोहराई जाती है वह असर करने लगती है। बुद्ध थकते नहीं हैं, उपदेश देते चले जाते हैं। उन्हें पता है कि एक दिन यह जरूर बदलेगा, एक दिन मनुष्य जरूर समझेगा। यह बुद्ध की पॉजिटिव सोच है। वह हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य बदलता है, उसका जीवन बदलता है। बार बार दोहराने से, बार बार अभ्यास करने से, पुनरावृत्ति करने से बदलता है। इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, अभ्यास करना चाहिए भिक्षुओं, अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमें बुद्ध के वचनों पर जरूर विचार करते रहना चाहिए और अपने आप को, अपने मन को पकड़ते रहना चाहिए। मन पर नजर रखनी चाहिए, 24 घंटे नजर रखनी चाहिए। यहीं से जीवन बदलता है और इसी तरह जीवन बदलता है। इसी तरह सब बुद्ध पुरुषों ने बताया, सब बुद्ध पुरुषों ने करके दिखाया। उन्होंने भी इसी तरह से बदला है और हमें भी उपदेश देते हैं कि इसी तरह बदल सकता है, निरंतर अभ्यास से बदल सकता है। हमें जरूर विचार करना चाहिए और रोज रोज अभ्यास करना चाहिए।